मधुकेश्वरी में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्ट्रीट फूड साबुदाना बड़ा। साबुदाना बड़ा में लगने वाली सामग्री है, साबुदाना ले लेना है 100 ग्राम साबुदाना, एक उबला हुआ आलू, बारीक कटा धनिया पत्ता, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, नमक हमने सेंधा नमक लिया है क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं साबुदाना बड़ा इसलिए, और हरी मिर्च बारीक कटी हुई एक, एक चम्मच साबुदाना, एक चम्मच जीरा और 150 ग्राम मूंगफली ले लिए कच्ची। उसको हम सबसे पहले हम इसको रोस्ट करेंगे। गैस ऑन करनी है, डाल देंगे साबुदाना भिगोया है उसको हम छन्नी में डाल के उसका पानी निकाल लेंगे। जब तक मूंगफली भुनेगी तब तक इसका पानी भी निकल जाएगा। मूंगफली भून चुकी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो हमारी मूंगफली सब लोग भून चुकी है। अब इसे हमने ठंडा करके छिलका हटाना है और फिर मोटा मोटा पीसना है मिक्सी में। हटा के हमने मोटी मोटी मूंगफली ऐसे पीस ली, इतनी मोटी करनी है। अब इसका पानी पूरा छन चुका है, पूरा पानी निकल चुका है, तो वैसे इसको पानी नहीं लेना चाहिए। अब इसको हम दूसरे बर्तन में डालेंगे। तो साबुदाना को चेक करने का तरीका है, जैसे दब जाए समझो साबुदाना अच्छे से गल जाए। तो अब इसको हमने क्या करना, आलू लेना है, आलू को हाथ से मैश करें, नहीं तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। फिर भुनी हुई मूंगफली का चूरा डाल दें, फिर हमने मिलाना है इसको, नमक डालें स्वाद अनुसार, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जीरा एक चम्मच, धनिया पत्ता, नींबू का रस एक चम्मच, और फिर इसको ऐसे मैश करते हुए हमने आटे की तरह थोड़ा गूंदना है। मसालों को सबको अच्छे से मिला के साबुदाना का मिश्रण हमारा बनके तैयार है। इसको हमने रिफाइंड तेल में तलना है क्योंकि हम ये व्रत वाले बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें अदरक नहीं डालेंगे, नमक भी हमने सेंधा लिया है। और अगर नॉर्मल बनानी हो तो उसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं और दूसरा नॉर्मल
नमक भी डाल सकते हैं। जब तेल गर्म होता है एकदम बड़ा बना के रख लेते हैं, उसकी शेप बना के रख लेते हैं। पहले हमने गीले बना हाथ फिर जाकर थोड़ी सी लोई लेकर ऐसे प्रेस करके मोटा मोटा बड़ा बनाना है। दूसरे में भी ऐसे करेंगे, गीला हाथ करेंगे पानी से ताकि ये मिश्रण हाथ में चिपके ना। ऐसे गोल करना है, ऐसे फिर ऐसे गोल प्रेस करके प्रेस करना है। तेल भी गर्म हो गया है, बड़े भी हमारे तैयार हैं अब तलने के लिए। अब इनको आराम से हम तलने के लिए डालेंगे। इनको हिलाना नहीं है, इनको फट जाएंगे। इनको ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि इनको खुले तेल में अच्छे से तले होते हैं, तो भूल जाते हैं। बड़े को तब पलटना है जब तेल गर्म से थोड़ा ठीक पक जाए, उससे पहले नहीं पलटना है, पलटने पर वो टूट जाएंगे। सब से पक चुके हैं, अब इनको हमने आराम से पलट देना है। ऐसे हमें 3 से 4 बार पलटते पलटना है हमें थोड़ी देर में। बड़े बन के तैयार है, अब इसे हम सर्व करेंगे। दोनों तरफ से पक चुके हैं। आंच को तेज ना रखें, आंच को कम रखें, कम आंच में ही बड़े अच्छे बनेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। साबुदाना बड़े बाहर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से नरम होते हैं। हमारे साबूदाना बड़ा बनके तैयार है। ये व्रत के लिए इसलिए इसमें चाट मसाला नहीं डालेंगे, वैसे इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।